नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ हैं, जिस विषय का शीर्षक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामुदायिक भागीदारी। साथियों, शिक्षा सदैव से एक सामुदायिक प्रक्रिया रही है। समाज ने और समुदाय ने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना ही इसलिए की ताकि समाज के अनुरूप और समुदाय के अनुरूप नागरिकों का विकास किया जा सके। भारत में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता उन्नयन में समुदाय की भागीदारी की परिकल्पना कोई नया विषय नहीं है। सामान्यतः जब हम शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी की बात करते हैं तो शिक्षा में हम दो प्रकार की सामुदायिक भागीदारी देखते हैं। एक को हम कहते हैं अनौपचारिक भागीदारी और दूसरे को हम कहते हैं औपचारिक भागीदारी। अनौपचारिक भागीदारी से हमारा अर्थ है कि जब स्थानीय समुदाय द्वारा शैक्षिक क्रियाकलापों के लिए सहयोग दिया जाए, जैसे कई जगह विद्यालयों की स्थापना के लिए भूमि प्रदान की जाती है, कई बार विद्यालयों में भवन निर्माण के लिए, कक्ष निर्माण के लिए कोई परिवार, कोई संस्था या कोई सामुदायिक संस्थान अपनी मदद प्रदान करते हैं, या विद्यालय में प्रयोगशाला की स्थापना के लिए सहायता देते हैं। अर्थात वे विद्यालय की दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं करते, परंतु विद्यालय में आधारभूत ढांचे के विकास में, विद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन हो, इसके लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है उनको प्रदान करने के लिए जब एक भागीदारी के रूप में अपनी सहायता प्रदान करते हैं, तो इस प्रकार की भागीदारी अनौपचारिक भागीदारी कहलाती है। भागीदारी का जो दूसरा स्वरूप है वो थोड़ा औपचारिक प्रकृति का है। औपचारिक प्रकृति से मेरा अर्थ है कि जब विद्यालय के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में, विद्यालय के प्रबंधन और प्रशासन में, विद्यालय में शैक्षिक क्रियाकलापों के संचालन में समुदाय की संस्थाएं, समुदाय के लोग विभिन्न समितियों के माध्यम से या अन्य स्वरूपों से जब सीधा हस्तक्षेप करते हैं, चाहे वो ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में हो, चाहे विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में हो, तो जब इस प्रकार का सीधा हस्तक्षेप विद्यालय के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में समुदाय का, सामुदाय के सदस्यों का होता है, तो इस प्रकार की जो भागीदारी है वह औपचारिक भागीदारी के अंतर्गत आती है। भारत में सामुदायिक भागीदारी, खासतौर पर यदि हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, तो इसकी परिकल्पना बहुत पुरानी है। परंतु जब 2001 में सर्वशिक्षा अभियान लागू हुआ, और हम सब जानते हैं कि सर्वशिक्षा अभियान जब 2001 में लागू हुआ तो ये देश में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का एक नूतन और अभिनव प्रयास था। ये प्रयास किया गया था कि भारत के प्रत्येक कोने तक प्रारंभिक शिक्षा की पहुंच प्रत्येक बच्चे तक हो, ये सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए चाहे विद्यालयों की स्थापना हो, चाहे विद्यालयों में शिक्षण सहायक सामग्री की स्थापना हो, अतिरिक्त कक्षों का निर्माण हो, हम सब जानते हैं कि विद्यालय में प्रवेश, विद्यालय में रोके रहना और विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता उन्नयन, इन तीन आधारभूत बातों को लेकर के सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ। और जब 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, तब सर्व शिक्षा अभियान की एक और बड़ी जिम्मेदारी हो गई कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाए। अर्थात शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में भी सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। सर्व शिक्षा अभियान की एक और खूबी रही कि सर्व शिक्षा अभियान में जो पंचायती राज संस्थाएं थीं, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो झुग्गी स्तरीय व्यवस्था हो, इन पंचायती राज संस्थाओं को विद्यालय के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में सहयोग, उनमें सामुदायिक भागीदारी का एक स्वरूप विकसित किया गया। और इसीलिए यदि आप सर्व शिक्षा अभियान के विषय में पढ़ेंगे, और आपने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा कि जब सर्व शिक्षा अभियान इस देश में लागू था, तब हमारे विद्यालयों में ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से, जिसको हम विलेज एजुकेशन कमेटी या VEC कहते थे, या शहरों में जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी है वहाँ पर शहरी झुग्गी स्तरीय शिक्षा समिति के रूप में, कुछ राज्यों ने उस समय भी विद्यालय प्रबंध समिति की परिकल्पना कर ली थी, अभिभावक अध्यापक संघ के विषय में, माता शिक्षक संघ के विषय में, जहाँ पर माताएं और शिक्षकों के बीच एक संगठन बनता था जहाँ वे आपस में वार्तालाप करते थे, तो इस प्रकार के बहुत सारे औपचारिक संगठन या औपचारिक संस्थाएं विकसित हुई सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। और इन सबका एक ही उद्देश्य था कि विद्यालय में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए।
एक और चीज थी, जब हमने देखा सर्व शिक्षा अभियान जब इस देश में लागू हुआ था, तो आप देखें सर्व शिक्षा अभियान में कुछ मूलभूत बिंदु समान थे, परंतु विभिन्न राज्यों को विभिन्न प्रकार से सामुदायिक भागीदारी में विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने के छूट दी गई। कुछ राज्यों में ग्राम शिक्षा समिति का प्रयोग किया गया, कुछ राज्यों में अध्यापक अभिभावक संघ का प्रयोग किया गया, कुछ जगह विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रयोग किया गया। तो ये प्रयोग सर्व शिक्षा अभियान में बहुत सारे राज्यों में अलग अलग तरह से किए गए, लेकिन इन सारे प्रयोगों का आधारभूत बिंदु ये था कि किस प्रकार समुदाय के लोग, समुदाय विद्यालय के करीब आए, किस प्रकार वो विद्यालय को अपना समझे, किस प्रकार वो विद्यालय के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। एक और इसी से जुड़ी हुई प्रक्रिया कई जगहों पर हुई, जहां जहां विद्यालयों के निर्माण होने थे, चाहे विद्यालय में कक्षों का निर्माण होना था, अतिरिक्त कक्षों का निर्माण होना था, या विद्यालय के पूर्ण भवन का निर्माण होना था, तो विद्यालय के निर्माण कार्यों में भी उसकी जिम्मेदारी स्थानीय समुदाय को दी गई, चाहे वे ग्राम शिक्षा समिति को दी गई हो, चाहे ग्राम पंचायत को दी गई हो, या समुदाय के किसी व्यक्ति को दी गई हो। अर्थात विद्यालय के निर्माण कार्यों में भी स्थानीय समुदाय की भूमिका सुनिश्चित करने का प्रयास सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया गया। इसमें कक्षा कक्ष के निर्माण की बात हुई, इसमें चार दीवारी के निर्माण की बात हुई, रसोई के, क्योंकि आप जानते हैं मध्यान्ह भोजन योजना लगभग पूरे देश में चल रही थी, तो रसोई के निर्माण और उसके रखरखाव की बात हुई। इन सब कार्यों को ग्राम शिक्षा समिति की देखरेख में सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित किया गया और लगभग 10 वर्षों तक ये सारा कार्यक्रम इसी प्रकार चला। इसका एक और पक्ष ये भी था कि सर्व शिक्षा अभियान में स्थानीय समुदाय को जोड़ने का एक उद्देश्य ये भी था कि स्थानीय समुदाय जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध निर्माण सामग्री है, जहाँ पत्थर उपलब्ध है वहाँ पत्थर, जहाँ ईंटें बनती हैं वहाँ ईंटें, जहाँ कोई और प्रकार की सामग्री प्रयोग होती है वहाँ और प्रकार की सामग्री, क्योंकि देश में भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न हैं, भौगोलिक संरचनाएँ भिन्न भिन्न हैं, लोगों को अलग अलग प्रकार के भवन निर्माण करने होते हैं, तो कहीं पर ऊँची छत का भवन निर्माण होता है, कहीं पर ढलाव वाली छत का भवन निर्माण होता है, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ उस प्रकार की होती हैं। तो भवन किस प्रकार का निर्मित हो, उसके लिए कौन सी सामग्री स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है उसका प्रयोग किया जाए, जिससे निर्माण लागत भी कम रहे, इसमें भी समुदाय की भागीदारी हो, सर्व शिक्षा अभियान में ऐसा प्रयास किया गया। जब निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अर्थात जिसको हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं, जब ये लागू हुआ, हम सब जानते हैं कि 2009 में संसद द्वारा बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, जो पूरे देश में, जम्मू कश्मीर राज्य को यदि छोड़ दें तो, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू भले 2010 में हुआ हो, बट इसकी जो पृष्ठभूमि है, परंतु इसकी जो पृष्ठभूमि है वो 2002 में है। 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जब संविधान में धारा 21A जोड़ी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, जब यह मूल अधिकारों की श्रेणी में आ गया था, तब से ही इसके प्रयास किए जा रहे थे कि इस प्रकार का एक नियम बनाया जाए, जिससे जो हमने संविधान में संविधान संशोधन के तहत एक मूल अधिकार सुनिश्चित किया है, वो मूल अधिकार बच्चों को प्राप्त हो। और इसीलिए हम सब जानते हैं कि 2009 में संसद ने निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। जब ये नियम लागू हुआ और जब ये अधिकार अधिनियम बन रहा था, तब इस पर भी चर्चा की गई कि समुदाय की जो भागीदारी है उसको और सार्थक और सक्रिय कैसे किया जाए। जब ये नियम लागू नहीं हुआ था, जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में लागू हुआ, जो 9 में पारित हुआ, वो जब लागू नहीं हुआ था, उससे पहले भारत में सर्व शिक्षा अभियान तो चल रहा था, और सर्व शिक्षा अभियान में ग्राम शिक्षा समिति की परिकल्पना की गई थी सामुदायिक भागीदारी के लिए। लेकिन उसके भी जो शोध हुए, जो भी परिणाम आए उन शोधों के, कुछ और सर्वे किए गए, और उसके आधार पर यह तय किया गया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में समुदाय की भागीदारी को और सार्थक और सक्रिय बनाने की आवश्यकता है। और इसीलिए आप देखें, यदि आप शिक्षा का अधिकार अधिनियम को पढ़ें, तो उसके लगभग हर अनुच्छेद में, हर चरण में समुदाय के सदस्यों से इसको सफल बनाने की अपेक्षा की गई है। जहाँ पर विद्यालय से बाहर जा रहे बच्चों की बात है, जो बच्चे विद्यालय से बाहर रह गए हैं, तो समुदाय से वहाँ अपेक्षा की गई है क्या
कि समुदाय ऐसे बच्चों की पहचान करे, उनके माता पिता को प्रोत्साहित करे, उन बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करे। तो समुदाय की भागीदारी वहाँ भी है। जहाँ विद्यालय के प्रबंधन की बात है, वहाँ पर विद्यालय प्रबंध समिति, जिसको हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC कहते हैं, तो SMC की परिकल्पना निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम में की गई है। साथ ही जहाँ संसाधनों की उपलब्धता नहीं है, वहाँ संसाधन उपलब्ध कराए। यदि समुदाय के कुछ लोग स्वयं संसाधन के रूप में विद्यालय के काम आ सकते हैं तो उनका प्रयोग किया जाए। तो यदि आप इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लगभग हर चरण में अध्यापकों, माता पिता के अतिरिक्त जो समुदाय के अन्य सदस्य हैं, उन सबकी भूमिका भी रेखांकित की गई है और उनसे ये अपेक्षा की गई है कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में और इसके निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू कराने में जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, जितनी जिम्मेदारी विद्यालय अध्यापकों और माता पिता की है, उतनी ही जिम्मेदारी समुदाय की भी है। इस अधिनियम के अंतर्गत, जैसा मैंने कहा कि समुदाय के सदस्यों का एक काम केवल उन बच्चों की पहचान करने में मदद करना ही नहीं है जो विद्यालय से बाहर हैं, उनको ना केवल उन बच्चों की पहचान में मदद करनी है जो विद्यालय से बाहर हैं, बल्कि उन बच्चों की विद्यालय तक पहुंच भी सुनिश्चित करनी है। पहुंच भी सुनिश्चित करनी है अर्थात यदि उन बच्चों का नामांकन नहीं हो पा रहा है तो उन कारणों की खोज करनी है, किन वजहों से उनका नामांकन नहीं हो पा रहा है। क्या वे विद्यालय से दूर रहते हैं इसलिए नामांकन नहीं हो पा रहा है? क्या उनके माता पिता उनके विद्यालय भेजने में रुचि नहीं लेते हैं इसलिए नामांकन नहीं हो पा रहा है? क्या विद्यालय में कोई सामाजिक आर्थिक विसंगति ऐसी है जिसके कारण बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है? क्या उसको विद्यालय से भय लग रहा है? क्या विद्यालय में अध्यापक नहीं है? क्या विद्यालय तक पहुंचने का मार्ग नहीं है? हो सकता है कि समाज का कोई वर्ग ऐसा हो जो गांव से थोड़ा दूर रहता हो, खासतौर पर वनवासी क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं कि लोग अलग अलग स्थानों पर रहते हैं और यदि विद्यालय भले उनसे 1.5 किलोमीटर की पहुँच में है लेकिन वहाँ तक पहुँचने का ठीक मार्ग नहीं है। तो उन सारे कारणों की भी पहचान करनी है समुदाय के सदस्यों को जिन कारणों से बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, और उन कारणों को दूर करके उनकी विद्यालय तक पहुंच सुनिश्चित करनी है। ये किसका काम है? ये समुदाय के सदस्यों का काम है। दूसरा, विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसकी बात हम अभी करेंगे और विस्तार से करेंगे, विद्यालय प्रबंधन समिति में भी समुदाय के सदस्यों को सक्रिय भूमिका निभानी है जिससे विद्यालय का सफल संचालन सुनिश्चित किया जा सके। विद्यालय प्रबंधन समिति की सक्रिय भूमिका निभा करके विद्यालय के सफल संचालन में योगदान करना, यह भी समुदाय के सदस्यों का उत्तरदायित्व है। साथ ही जब विद्यालय प्रबंधन समिति के हम कार्यों की बात करते हैं तो वहां एक महत्वपूर्ण कार्य आता है, विद्यालय विकास योजना का निर्माण। तो विद्यालय विकास योजना का निर्माण कौन करता है? विद्यालय प्रबंधन समिति करती है, समुदाय के सदस्यों के साथ चर्चा करके, विमर्श करके करती है। तो विद्यालय विकास योजना के माध्यम से विद्यालय के भविष्य में क्या आवश्यकताएं, कितने अध्यापकों की आवश्यकता हो सकती है, कितना नामांकन बढ़ सकता है, कितने अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से संसाधन आवश्यक हो सकते हैं, उनकी पहचान करना ये भी समुदाय का काम है। और समुदाय में जो संसाधन उपलब्ध हैं, समुदाय से संसाधनों से मेरा तात्पर्य है समुदाय के सदस्य भी संसाधन हो सकते हैं, सामुदायिक संस्थाएं भी संसाधन हो सकती हैं, समुदाय में किसी के पास उपलब्ध कोई उपकरण भी शिक्षा का संसाधन हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को शिक्षा की गुणवत्ता उन्नयन के लिए विद्यालय में उपलब्ध कराना, ये भी किसका उत्तरदायित्व है? ये समुदाय का और समुदाय के सदस्यों का उत्तरदायित्व है। यह बात हमें समझ लेनी चाहिए। देखिए, चाहे शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात हो या सर्व शिक्षा अभियान की बात हो, दोनों में ही समुदाय के महत्व को रेखांकित किया गया है, दोनों में ही समुदाय के महत्व को स्वीकारा गया है, दोनों में ही विद्यालय और शिक्षा में गुणवत्ता उन्नयन के लिए समुदाय के महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हुए उस पर जोर दिया गया है। क्योंकि जब समुदाय शिक्षा में रुचि लेने लगता है, जब समुदाय के सदस्य शिक्षा में रुचि लेने लगते हैं, तभी शिक्षा कक्षा कक्षा से बाहर निकल पाती है। कहते हैं तभी शिक्षा पुस्तकों की कैद से आज़ाद होती है। अन्यथा अध्यापक विद्यालय में आते हैं
पाठ्यपुस्तकों में जो लिखा है वो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे पाठ्यपुस्तकें पढ़ते हैं और चले जाते हैं। लेकिन क्या शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित है? क्या शिक्षा का उद्देश्य केवल शिक्षा को कक्षा कक्ष में प्रदान करना भर है? नहीं ना। तो जब शिक्षा को कक्षा कक्ष से बाहर ले जाना है, शिक्षा को पुस्तकों की कैद से आज़ाद करना है, तो हमें क्या चाहिए? हमें अतिरिक्त संसाधन चाहिए, हमें परिवेश चाहिए, हमें वो वातावरण चाहिए। और वो वातावरण, वो परिवेश, वो संसाधन हमें कौन प्रदान करेगा? हमें समुदाय प्रदान करेगा, सामुदायिक संस्थाएं प्रदान करेंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि यदि समुदाय जब शिक्षा में रुचि लेने लगता है, समुदाय जब विद्यालय के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में रुचि लेने लगता है, तब शिक्षा कक्षा कक्ष से बाहर निकलती है और पुस्तकों की कैद से आज़ाद होती है। एक और महत्वपूर्ण विषय है, शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य केवल बच्चों को साक्षर बनाना भर नहीं है। हम कहते हैं अच्छी शिक्षा वह है जो व्यक्ति को इस योग्य बनाए कि जब उसके जीवन में उसके सामने कोई समस्याएं आएँ तो वह उन समस्याओं का समाधान खोज सके, उन समस्याओं के उपचार कर सके। तो जब समुदाय की भागीदारी होती है शिक्षा में, तो शिक्षा को समुदाय की भागीदारी स्थानीय समस्याओं से जोड़ती है, स्थानीय चिंताओं से जोड़ती है। स्थानीय स्तर पर बहुत प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, कहीं पर्यावरण की समस्या हो सकती है, कहीं पानी की समस्या हो सकती है, कहीं कोई और सामाजिक समस्या हो सकती है, कहीं कोई सामाजिक कुरीति हो सकती है किसी समाज में, किसी समाज के वर्ग में। उन सब का समाधान करना ये शिक्षा का काम है। लेकिन उन समस्याओं के प्रति बच्चों को, विद्यालय को जागरूक कौन करेगा? उनकी जानकारी विद्यालय को और बच्चों को कौन देगा? सारी समस्याएं पाठ्यपुस्तकों में लिखी नहीं होती, सारी समस्याएं, स्थानीय समस्याएं केवल अध्यापकों की जिम्मेदारी नहीं होती। जब तक समुदाय के लोग चर्चा नहीं करते, जब तक समुदाय की भागीदारी नहीं होती, तब तक शिक्षा स्थानीय समस्याओं से नहीं जुड़ती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब सामुदायिक भागीदारी की बात हो, तो सामुदायिक भागीदारी शिक्षा को स्थानीय समस्याओं से जोड़ती है। सामुदायिक संस्थाएं विद्यालय की आवश्यकता, विद्यालय के प्रसार और विद्यालय के रखरखाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हो सकता है कि किसी गांव की आबादी 1,500, 2,000 या 2,500 की रही हो और जब विद्यालय स्थापित हुए हों तो उस ग्राम पंचायत ने वहां एक विद्यालय स्थापित कर दिया हो, लेकिन यदि उस गांव में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 500, 600, 800 हो गई, गांव की आबादी बढ़ गई और विद्यालय एक ही है, तो दूसरे विद्यालय की आवश्यकता है ये सरकार को कौन बताएगा? सामुदायिक संस्थाएं बताएंगी कि विद्यालय में प्रसार की आवश्यकता है, अतिरिक्त विद्यालय की आवश्यकता है, विद्यालय में अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता है, विद्यालय में अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता है। अर्थात विद्यालय की आवश्यकता और प्रसार के लिए सामुदायिक संस्थाएं ही तो हैं जो सरकार को कहेंगी कि यहां पर और सुविधाओं की आवश्यकता है, विद्यालय का सही से रखरखाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विद्यालय ठीक प्रकार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, विद्यालय का भवन उचित स्थिति में है कि नहीं है। क्योंकि कई बार सरकारी योजनाओं में, हम सब जानते हैं कि सरकारी योजनाएं एक निश्चित समय के लिए आती हैं, उसमें विद्यालय में कभी भवन निर्माण हो जाता है, कभी कक्ष निर्माण हो जाता है, कभी रसोई का निर्माण हो जाता है, कभी पुस्तकालय बना दिया जाता है, लेकिन वो जो बनी हुई चीज़ें हैं, जो दी गई हैं किसी योजना में, वो निरंतर क्रियाशील रहें, वे सुरक्षित रहें, वह उपयोगी बनी रहें, ये निगरानी करने का काम सामुदायिक संस्थाओं को निभाना होता है। एक और काम सामुदायिक संस्थाओं को करना होता है, वह है विद्यालय में उपयुक्त पठन पाठन का परिवेश। विद्यालय में पठन पाठन का परिवेश कैसा है, वातावरण कैसा है, अध्यापकों की उपस्थिति और उपलब्धता सुनिश्चित करना, यह भी समुदाय का काम है। विद्यालय में पठन पाठन के परिवेश के साथ साथ अध्यापकों की उपस्थिति और उपलब्धता, क्योंकि जुड़ी हुई चीजें, यदि विद्यालय में अध्यापक नहीं है तो पठन पाठन का परिवेश कैसे निर्मित होगा? विद्यालय में अध्यापक नियुक्त तो है, वो विद्यालय आता नहीं है, तो पठन पाठन का परिवेश कैसे निर्मित होगा? विद्यालय में अध्यापक भी है, विद्यालय में अध्यापक नियुक्त भी है, अध्यापक विद्यालय आता भी है, लेकिन अध्यापक पठन पाठन के अलावा उसको इतने काम दे दिए गए हैं कि उन्हीं में व्यस्त रहता है। विभिन्न प्रकार के रजिस्टर बनाने हैं, डाटा भरना है,
बैठकों में जाना है, आंकड़े इकट्ठे करना है, गणना करनी है, यदि अध्यापक इन सब कार्यों में व्यस्त है तो समुदाय की जिम्मेदारी है कि वो इन सारी वास्तविकताओं से नीति नियंताओं को परिचित कराए। विद्यालय में किन संसाधनों की कमी है, कौन से संसाधन समुदाय की मदद से उपलब्ध कराए जा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कई राज्यों में पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क, लगभग बहुत सारे राज्यों में पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, खासतौर पर प्राथमिक और प्रारंभिक कक्षाओं में। लेकिन कई बार देखा गया है, हम लोग समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं कि सत्र प्रारंभ हो जाता है, पाठ्य पुस्तकें बच्चों को नहीं मिल रही हैं, देर से मिल रही हैं, जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे में क्या इसकी ये जिम्मेदारी किसकी है? केवल विद्यालय के प्रधानाचार्य और विद्यालय के अध्यापक की जिम्मेदारी नहीं है, ये उस गाँव के लोगों की, उस पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है कि यदि विद्यालय में जो सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए वे ठीक से उपलब्ध नहीं हो रही हैं तो उसकी जानकारी नीति नियंताओं को दे, जो भी अधिकारी हैं उनको दे, उनसे बात करे और इन सब चीज़ों को सुनिश्चित कराए। ऐसे ही मध्यान्ह भोजन की बात है, मध्यान्ह भोजन प्रत्येक विद्यालय में प्रदान किया जाता है, लेकिन क्या मध्यान्ह भोजन सुचारू रूप से उपलब्ध है? क्या मध्यान्ह भोजन की जो गुणवत्ता निर्धारित की गई है उसी गुणवत्ता का भोजन प्रत्येक बच्चे को मिल रहा है? क्या मध्यान्ह भोजन का नियमित वितरण हो रहा है? इस सब की निगरानी और देखभाल करने का काम समुदाय का है, समुदाय के सदस्यों का है, चाहे वे विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य के नाते हो या किसी अन्य भूमिका में हो। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिन बच्चों का नामांकन विद्यालय में हुआ है वे बच्चे निरंतर विद्यालय जाएं, उसके लिए माता पिता को सतत प्रोत्साहित करना, निरंतर प्रोत्साहित करना किसका काम है? केवल अध्यापक के प्रोत्साहन से नहीं होता। ये ठीक है कि अध्यापक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, यदि अध्यापक विद्यालय में अच्छा वातावरण बनाकर रखे तो फिर बच्चे अध्यापकों को अपने विद्यालय से जाने भी नहीं देते। आप अक्सर समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि किसी प्राथमिक विद्यालय से किसी अध्यापक का स्थानांतरण हो रहा होता है तो विद्यालय के बच्चे और उस गांव के लोग पूरा प्रयास करते हैं कि उस अध्यापक को विद्यालय से न जाने दें। जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि विद्यालय में सुविधाएँ नहीं थीं, लेकिन उन अध्यापकों ने विद्यालयों को का रूप ही बदल दिया है। इस देश में बहुत सारे प्राथमिक अध्यापक और बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां के अध्यापकों ने अपने प्रयासों से देश में सरकारी प्राथमिक शिक्षा का जो एक प्रचलित चित्र था उस चित्र को बिल्कुल बदल दिया है। ऐसे बहुत सारे विद्यालयों में गया हूं जहां मैंने देखा है कि अध्यापकों ने अपने प्रयासों से पुस्तकालय निर्मित किए हैं, बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएँ बना दी हैं और विद्यालय का परिवेश बड़ा अच्छा कर दिया है, वहाँ स्वच्छता बहुत रहती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए वो नए नए तरीके अपनाते रहते हैं, नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करते रहते हैं, बच्चों की रुचि विकसित होने लगी है। लेकिन ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब विद्यालय में यदि अध्यापक ऐसा प्रयास कर रहा हो तो उसके उन प्रयासों को प्रोत्साहन मिले समुदाय के सदस्यों के द्वारा, जो विद्यालय प्रबंधन समिति है उसके सदस्यों के द्वारा, गांव के अन्य लोगों के द्वारा, और बच्चों का निरंतर विद्यालय में आना सुनिश्चित हो। यदि हम अभी तक मैंने जितनी चर्चा की, इस चर्चा को यदि मैं सारांश रूप में लाना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि प्राथमिक स्तर पर, जब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रारंभिक स्तर पर लागू हुआ है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को हम चार बिंदुओं के अंदर समाहित कर सकते हैं। पहला बिंदु है शिक्षा का महत्व और शिक्षा की गुणवत्ता उन्नयन में सामुदायिक भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा की पहुंच और शिक्षा का प्रसार सुनिश्चित करने में प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, प्रत्येक बच्चे की विद्यालय तक पहुंच सुनिश्चित हो, ये भी सामुदायिक भागीदारी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय आवश्यकताओं, स्थानीय समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए शिक्षा में एक लचीलापन हो, शिक्षा समाज के लिए हो, समुदाय के लिए हो, सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो, इसके लिए सामुदायिक भागीदारी का बहुत महत्व है। और स्थानीय समस्याओं के समाधान में भी सामुदायिक भागीदारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही उपयुक्त पाठ्यचर्यात्मक सामग्री की उपलब्धता, समुदाय का महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। पाठ्यचर्यात्मक सामग्रियां केवल विद्यालयों में उपलब्ध नहीं होती,
पाठ्यचर्यात्मक सामग्री किसी, मैं एक उदाहरण लेता हूँ, मान लीजिए एक बच्चों को हमें अपनी कक्षा में पौधों के विषय में पढ़ाना है या मिट्टी के प्रकार पढ़ाने हैं या जो हमारा फसल चक्र है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, ये पढ़ानी है। किताबों में लिखा है, अध्यापक वो पढ़ा भी देगा, लेकिन यदि बच्चा समय समय पर खेत में चला जाए, गांव का कोई जागरूक कृषक, गांव में बहुत सारे लोग कृषक होते हैं, कोई समुदाय का सदस्य जो एक जागरूक कृषक है, वो आकर बच्चों से सारी चीज़ें दिखा करके उनकी बात करे, किसी बाग का उनको भ्रमण करा दे, तो वो कृषक, वो खेत और वो बाग भी एक पाठ्यचर्यात्मक सामग्री है, वो भी एक सामग्री है, और उस सामग्री की उपलब्धता समुदाय को सुनिश्चित करनी है। समुदाय की जिम्मेदारी है विद्यालय ठीक प्रकार चले, खासतौर पर समुदाय के वे समूह जिनको हम पिछड़े समूह कह सकते हैं या जिन समूहों तक शिक्षा की पहुंच किन्हीं कारणों से नहीं हुई है, चाहे वह जातिगत आधार हो, चाहे वह धार्मिक आधार हो, चाहे वह आर्थिक आधार हो, चाहे वह कोई सामाजिक रूढ़ी हो, इन सबको तोड़कर प्रत्येक समूह के बच्चे को विद्यालय तक लाना, शिक्षा तक पहुंचाना, जिससे शिक्षा वास्तविक अर्थों में समावेशी हो सके, ये सामुदायिक भागीदारी के बिना संभव नहीं है। संस्थान की क्षमता बढ़ाना, संस्थान में अतिरिक्त संसाधनों को उपलब्ध कराना, यह भी सामुदायिक भागीदारी के बिना संभव नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि समुदाय जब शिक्षा में अपना योगदान करता है तो विभिन्न रूपों में अपना योगदान करता है, बस एक निगरानी तंत्र के रूप में शिक्षा में योगदान करता है, समुदाय के सदस्य संसाधन के रूप में अपना योगदान करते हैं, आवश्यक सामग्री की उपलब्धता के निर्माण के लिए अपना योगदान करते हैं, और स्थानीय समस्याओं के समाधान में भी समुदाय शिक्षा में अपना योगदान करता है। मैंने अब तक जितनी भी चर्चा आपसे की है सामुदायिक भागीदारी के जो विभिन्न आयाम हो सकते हैं, उन सभी आयामों को इस चित्र के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। अगले कुछ समय में हम इस चित्र के इन्हीं आयामों को एक बार पुनः चर्चा करेंगे, जिससे सामुदायिक भागीदारी का जो शिक्षा में पूरा स्वरूप है वो स्पष्ट हो सके। यदि हम प्रारंभ करें तो सामुदायिक भागीदारी अर्थात समुदाय की पहली जिम्मेदारी है विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों की पहचान करना, पहला काम है। हर वो बच्चा जो विद्यालय नहीं जा पा रहा है किसी भी कारण से, आर्थिक कारण से, सामाजिक कारण से, पारिवारिक कारण से, राजनैतिक कारण से, जातिगत या किसी और विभेद के कारण, हर उस बच्चे की पहचान करना पहला काम। फिर उन बच्चों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित हो, इसके लिए परिवार को प्रोत्साहन देना। तो बच्चे के नामांकन के लिए परिवार को प्रोत्साहन देना, यह भी किसका काम है? समुदाय का काम है। सामुदायिक भागीदारी के बिना संभव नहीं है। यदि विद्यालय में कोई निर्माण कार्य हो रहा है तो वह गुणवत्ता से हो रहा है, ठीक प्रकार हो रहा है, जिस प्रकार के नियम बनाए गए हैं उन्हीं के अनुरूप हो रहा है, इसकी देखभाल और निगरानी करना ये भी समुदाय की जिम्मेदारी है। बच्चे नियमित विद्यालय जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और बच्चों के साथ साथ शिक्षक नियमित विद्यालय आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, शिक्षक विद्यालय नियमित आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, साथ ही बच्चों को चाहे तो निःशुल्क पुस्तकें हों, गणवेश हो या अन्य भी जो सुविधाएं बच्चों को मिलती हैं, वे सारी सुविधाएं बच्चों को ठीक प्रकार से मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, समय पर मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, यह सुनिश्चित करना भी समुदाय के सदस्यों का काम है। यहाँ भी सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन जो प्राप्त हो रहा है उसकी निरंतरता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना, यह भी सामुदायिक भागीदारी का एक आयाम है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है प्रबंधन समिति की नियमितता और सक्रियता। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में सामुदायिक भागीदारी का जो एक औपचारिक स्वरूप है, वो औपचारिक स्वरूप क्या है? वो औपचारिक स्वरूप है प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति अपना ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है,
नियमित तौर पर अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कितनी सक्रिय है। हम किसी और सत्र में विद्यालय प्रबंध समिति के कार्यों पर चर्चा करेंगे। तो विद्यालय प्रबंध समिति ठीक से काम कर रही है, सक्रियतापूर्वक काम कर रही है, विद्यालय के विकास के लिए काम कर रही है, यह सुनिश्चित करना भी समुदाय का महत्वपूर्ण काम है। यदि आज की हम पूरी चर्चा को अंत में सारांश रूप में देखें, तो आज हमने प्रयास ये किया अपनी चर्चा के माध्यम से आपके समक्ष स्पष्ट करने का कि समुदाय विद्यालय से परे नहीं है, विद्यालय समुदाय से परे नहीं है, बिना समुदाय और समुदाय के सदस्यों की जागरूक भागीदारी के शिक्षा की गुणवत्ता उन्नयन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। यदि हमारे प्राथमिक और प्रारंभिक विद्यालय ठीक प्रकार काम करें, वहां अध्यापक समय पर आएं, वहां सभी बच्चे विद्यालय में जाएं, वहां मध्याह्न भोजन का वितरण ठीक हो, वहां शिक्षण पठन पाठन का परिवेश ठीक हो, वहां पर संसाधन उपलब्ध हों, इन सारे कार्यों में अर्थात विद्यालय के संपूर्ण संचालन में, विद्यालय के संचालन से जुड़े प्रत्येक आयाम में समुदाय की भागीदारी है, हमें यह समझना होगा। हमें एक शिक्षक के रूप में जिस समुदाय में हम रहते हैं, जिस समुदाय में हमारा विद्यालय है, जहां हम पढ़ाने जाते हैं, उस समुदाय के करीब अपने विद्यालय को ले जाना होगा। समुदाय के सदस्यों का विद्यालय में भागीदारी बढ़ानी होगी, तभी हम जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में सामुदायिक भागीदारी की परिकल्पना की गई है उसको एक मूर्त रूप प्रदान कर पाएंगे। आपने ध्यान से इस चर्चा को सुना, आशा है कि आप मेरे द्वारा चर्चा में जो भी बिंदु उठाए गए उनसे लाभान्वित होंगे और अपने विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता उन्नयन में इनका प्रयोग करके एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका को और बेहतर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।